प्रदेश में स्मैक का नशा युवाओं में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। युवाओं को स्मैक के जाल से बाहर निकालने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज 55 जिले के बनबसा के पुलिस ने देवीपुरा धनुष पुल के पास जतिन नामक एक 22 वर्षीय युवक को पकड़ा, जिसके पास से पुलिस ने 13 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के नेपाल सीमा से लगे झनकैया थाना में आज पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने कुल 3.5 ग्राम के लगभग स्मैक व 5,000 रुपए बरामद किए हैं। दोनों पकड़े गए युवकों की पहचान सगीर अहमद और मतलूब निवासी इस्लाम नगर खटीमा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों को NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। शिकायत आ रही थी कि कुछ लड़के जो है इधर जंगल में आके स्मैक बेचते हैं, तो इस सूचना पर कल 2 लड़कों को, एक का नाम समीर है, एक का नाम मतलू, इनको 1-1 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनसे स्मैक बिक्री के पैसे ही बरामद हुए हैं, और जिस मोटरसाइकिल से ये आते थे उन मोटरसाइकिल को सीज किया गया है। आज इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।